नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग सुबह एंड लाइफस्टाइल। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही एकदम इंटरेस्टिंग और बहुत ही जल्दी रेसिपी बनाऊंगी। एक घंटे के अंदर आप नौ कन्या को कैसे आप भोजन दे सकते हैं और बहुत ही टेस्टी रेसिपी होगा और नौ कन्या बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे मैं देखिए पहले तो मैं काले चना का प्रसाद बनाऊंगी। उसके लिए मैंने तो 2 टीस्पून यहाँ पे ऑयल ले लिया है, रिफाइन ऑयल है। आप चाहे तो घी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए राई डाल दी 1/2 टीस्पून, जीरा डाल दी 1/4 टीस्पून और दोनों ही जैसे ही चटक जाता है यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून अदरक का पेस्ट डाल दी। उसके बाद जैसे ही हो जाता है ये मिर्चा डाल दी, 3 मिर्चा को मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ हूँ। और उसके बाद जैसे ही हो जाता है यहाँ पे मैं टमाटर, 1 टमाटर को छोटा छोटा करके काट ली थी उसको ऐड कर ली। और जैसे ही अच्छे से हो जाता है ये जो काले चना है उसको मैंने बॉईल कर लिया था नमक के साथ, उसी को मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ। उसके बाद मिर्चा पाउडर जो कि 1/2 टीस्पून ऐड कर ली हूँ और धनिया पाउडर जो कि 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून और नमक मैंने पहले से ऐड किया था इसीलिए नहीं ऐड किया हूँ। और इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी 5 मिनट के लिए। उसके बाद नारियल कद्दूकस करके ऐड कर ली हूँ और मेरा काले चना का प्रसाद बनके तैयार हो गया। अभी ये बारी है पनीर तड़का की बारी। तो पनीर तड़का के लिए पहले तो ऑयल 1 टीस्पून, उसके बाद सारा गरम मसाला आप ऐड कर लीजिएगा जो गरम मसाला अवेलेबल है। उसके बाद 1/2 टीस्पून यहाँ पे अदरक का पेस्ट ऐड कर ली हूँ और जैसे ही अदरक बहुत अच्छे से भून जाता है उसके बाद लंबा लंबा करके मिर्चा ऐड कर ले रही हूँ। जैसे ही मिर्चा हो जाता है उसके बाद टमाटर का पेस्ट ऐड कर ले रही हूँ। 1/2 टमाटर का मैं पेस्ट यहाँ पे ऐड कर की हूँ और अच्छे से इसको भूनूंगी जब तक ये कच्चा स्मेल ना चला जाए टमाटर का। उसके बाद मिर्चा पाउडर 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैं ऐड कर ले रही हूँ। उसके बाद धनिया पाउडर भी 1/2 टीस्पून ऐड कर ले रही हूँ, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून और यहाँ पे नमक स्वाद अनुसार आपको ऐड कर लेना है। और नमक स्वाद अनुसार के बाद इसको अच्छे से भून लेना है जब तक ये कच्चा स्मेल नहीं चला जाता है और जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ता है तब तक आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ पानी ऐड कर ले रही हूँ जैसे मसाला अच्छे से मेरा मिक्स हो जाए। और देखिए यहाँ पे मेरा ऑयल छोड़ने लग गया है तो यहाँ पे मैं पनीर छोटा छोटा टुकड़ा काट ली हूँ और यहाँ पे अच्छे से भून लूँगी 2 मिनट तक। और 2 मिनट के बाद यहाँ पे देखिए सारा मैंने बॉयल कर दिया है। ये 5 घंटे के लिए भिगो दिए थे, उसके बाद हल्दी और नमक डाल के भिगो दिए थे। उसके बाद उसको प्रेशर कुकर 2-3 सीटी डाल के इसको अभी मैं डाल दी हूँ। उसके बाद देखिए अच्छे से 5 मिनट के बाद यहाँ पे मैं कस्तूरी मेथी ऐड कर ले रही हूँ और ये मेरा पनीर तड़का बनके तैयार है। अभी मैं बनाऊँगी पूरी और पूरी के लिए नॉर्मल आटा मैंने सान लिए थे और अभी देखिए उसको ऑयल में फ्राई कर ले रही हूँ। और देखिए ये मेरा पूरी बनके भी तैयार हो गया है एकदम से फटाफट से। आपको पूरी भी बनके तैयार है। अभी मैं बनाऊंगी खीर बनाऊंगी जैसे प्रसाद में बनता है उसी प्रोसीजर में। देखिए यहाँ पे घी डाल दी हूँ जो कि 2 टीस्पून आपको घी ऐड कर लेना है। पहले तो मैंने यहाँ पे काजू को थोड़ा सा फ्राई कर ली हूँ, उसके बाद किशमिश है किशमिश को भी थोड़ा सा हल्का फ्राई कर लूँगी। अभी मैंने यहाँ पे किशमिश भी निकाल दी हूँ। निकाल देने के बाद यहाँ पे देखिए खीर वाला चावल है उसको 15 मिनट भिगो लिए थे और इसको मैं यहाँ पे ऐड कर ले रही हूँ। ऐड करके यहाँ पे 5 मिनट ऐसे ही उसको घी में अच्छे से कर लूँगी। उसके बाद 1 कटोरी पानी दे दूँगी जैसे थोड़ा सा चावल थोड़ा सा पक जाए। और चावल जैसे ही पक जाता है यहाँ पे मैं बॉयल किया हुआ दूध ले रही हूँ जो कि मैं 1/2 लीटर दूध ऐड कर ले रही हूँ यहाँ पे और अच्छे से बॉयल होने तक इसको पकाऊंगी। और अच्छे से यहाँ पे पक जाने के बाद 10 से 15 मिनट लगा है मुझे पकने के लिए। उसके बाद यहाँ पे फ्राई किया हुआ काजू और किशमिश यहाँ पे ऐड कर ले रही हूँ। आधा आधा ऐड करूँगी और आधा मैं डेकोरेशन के लिए मैं रख लूँगी गार्निशिंग के लिए। और इसको देखिए अभी हो गया है मेरा खीर, लगभग मुझे 20 मिनट्स लगा है ये खीर बनाने के लिए और ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सा रेसिपी होगा आपका। और ये प्रसाद के लिए एकदम परफेक्ट सा रेसिपी है। देखिए अभी खीर बनके भी तैयार है।
अभी मैं बनाऊंगी साबूदाना का वड़ा बना दूंगी। तो साबूदाना वड़ा के लिए पहले तो मुझे यहाँ पे मूंगफली कुछ ले ली हूँ, मैंने आधा कटोरी ली हूँ और अच्छे से भून ली हूँ और इसको निकाल दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ ग्राइंड कर लूंगी, दो मिर्चा और छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेके मैं यहाँ पे ग्राइंड कर लूंगी। और ग्राइंड कर लेने के बाद यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने दरदरा ग्राइंड की हूँ, पूरा आपको ग्राइंड नहीं करना है। तो यहाँ पे दरदरा मैंने ग्राइंड करके अभी इसको थोड़ा सा भूनना है मुझे। एक पैन बिठाती हूँ और उसको मैं भूनूंगी थोड़ा समय के लिए, बस 2 से 3 मिनट भूनूंगी इसको। इसको भून लेने के बाद आपको क्या करना है, देखिए ऐसे ही करके ही आपको, देखिए जैसे दरदरा रखी हूँ ना वैसी तरह ही आपको रखना है। और उसके बाद यहाँ पे 1/2 टीस्पून मिर्चा पाउडर ऐड कर ले रही हूँ। उसके बाद मिर्चा पाउडर के बाद यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून यहाँ पे जीरा पाउडर ऐड कर ले रही हूँ। जीरा पाउडर ऐड कर लेने के बाद आपको डाल देना है नमक, स्वाद अनुसार आपको ऐड कर लेना है। और अच्छे से भून के रेडी हो गया है, इसको साइड में रख लूँगी गैस बंद करके। उसके बाद देखिए आलू को मैंने यहाँ पे ग्रेट कर ले रही हूँ, और आलू को ग्रेट करके ये 2 आलू था। और यहाँ पे देखिए मैंने साबूदाना को एकदम से 2 घंटा के लिए अच्छे से भिगो दिए थे, 2 से आप 4 घंटा तक अच्छे से भिगो दीजिएगा। और उसके बाद छन्नी से एकदम से छान लीजिएगा जैसे आपका पानी ना रहे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 जो आलू मैंने ग्रेट किया था उसी को मैं यहाँ पे ऐड कर ले रही हूँ। उसके बाद जो ये भुना हुआ जो मैंने जो किया हुआ था उसी को यहाँ पे मैं ऐड कर ले रही हूँ। डाल देने के बाद यहाँ पे देखिए अच्छे से सारा ही पाउडर डाल दीजिएगा। उसके बाद नमक स्वाद अनुसार आपको ऐड कर लेना है। और डाल देने के बाद यहाँ पे मैं मिर्ची का पेस्ट, जो हरी मिर्ची होता है ना उसको सिर्फ ग्राइंड कर ली थी उसी का पेस्ट मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून करीब मैं ले रही हूँ। उसके बाद धनिया पत्ता मैं कुछ ले रही हूँ काट के। उसके बाद अच्छे से मैं मिक्स करूँगी जैसे एक डो बन जाए, डो के शेप में आ जाए और अच्छे से मेरा वड़ा बन जाए। देखिए अच्छे से बन गया है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, छोटा छोटा ले लूँगी और छोटा छोटा को अच्छे से देखिए यहाँ पे गोल करके और अच्छे से यहाँ पे मैं थोड़ा सा चपटा कर लूँगी जैसे शेप बड़ा का आ जाए एकदम से। और देखिए यहाँ पे बड़ा का शेप बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया है। ऐसे करके सारा मैं बड़ा यहाँ पे बना के तैयार करती हूँ यहाँ पे। और बनने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ मैंने ऑयल यहाँ पे ऐड करके सारा बड़ा को यहाँ पे डाल दी हूँ। और देखिए जैसे ही हो जाता है 1 से 2 मिनट के बाद यहाँ पे मैं पलट ले रही हूँ। और ये पूरा एकदम लो फ्लेम कीजिएगा नहीं तो अंदर वाला एकदम कच्चा रह जाएगा, तो इसीलिए लो फ्लेम के बाद देखिए एकदम साबूदाना वड़ा भी बन के तैयार है। और यहाँ पे देखिए मेरा सारा प्रसाद बन के तैयार है, जैसे कि काला चना और पनीर तड़का, यहाँ पे खीर बना दी हूँ। और खीर के बाद यहाँ पे देखिए मैंने साबूदाना का जो वड़ा है उसी को भी मैं यहाँ पे सर्व कर रही हूँ। और ये एकदम नवरात्रि के लिए 9 कन्याओं के लिए परफेक्ट रेसिपी है। और देखिए यहाँ पे पूरी भी ऐड कर ली हूँ और उम्मीद करते हैं मेरे रेसिपी अच्छा लगता हो। और प्लीज़ अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना भूलना मत। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय। और